गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि गाइस आप देखो आपकी पहली मिस्टेक ये है कि गाइस देखो आप हमेशा की तरह यही करते हो कि आप स्टार्टिंग में ही क्या कहते हैं यूएसपी से करते हो। तो गाइस देखो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी आप गन पे सूटेबल हो वो गन ले लेनी है, चाहे वो हाई से हाई प्राइस हो पहले राउंड में। क्योंकि देखो बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई पहले राउंड में पैसा बचाएंगे और सेकंड राउंड में खरीदेंगे, पर वो पहले राउंड में हार जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ले लेनी है जो भी आप डबल डैमेज जो लोग, तो मैंने यहाँ पर डबल यूएसपी ले रखी है कुछ इस हिसाब से आपको ले लेनी है, जिससे गाइस क्या होगा यहाँ पर फायदा हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस देखो अब ऐसा होगा क्या, देखो गाइस देखो यहाँ पर गाइस देखो यहाँ पर मैं पहले बंदे को मार दूंगा और मैं जीत जाऊँगा और गाइस देखो मेरे को और ज़्यादा पैसा मिलेगा गाइस देख करके। और मैं स्टील कवर में रह के मार रहा हूँ जिसको आपको हमेशा ध्यान देना है। ये देखो यहाँ पर मैं स्टील कवर पर देखो मैं फटाफट बंदे को मार देता हूँ। तो गाइस एक नॉक कर दिया यहाँ पर हमने, हो गया देखो मेरे टीममेट ने सारे मार दिए, इसका मतलब गाइस देखो यहाँ पर हम पहला राउंड तो जीत चुके हैं। तो गाइस अभी बढ़ते हैं सेकंड, जो कि है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। गाइस देखो ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें गाइस बहुत से लोग मिस्टेक कर बैठते हैं, कुछ लोग आरने टेढ़े लगा देते हैं। तो गाइस देखो आपको करना है हमेशा एक्टिव में आपको हुकोंग को ही लेना है। गाइस देखो हुकोंग बहुत ही सही कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद गाइस देखो आपको पैसे में कैली लेनी, क्योंकि देखो कैली जो है वो आपकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जो कि हमारे फायदे की बात है। उसके बाद आपको लेना है होयाटो। गाइस देखो होयाटो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो आप इलाइट होयाटो ले सको, इलाइट होयाटो ले लें, क्योंकि गाइस देखो जितना आपका एचपी कम होगा उतना ही ज़्यादा इसका रेट एक्यूरेसी बढ़ेगा। और देखो तीसरे पे आज देखो यहाँ पर जैसे मैंने इलाइट लेगा को लेना है यहाँ पर एलवारो, एलवारो ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं मैक्सिमम। मैं से क्यों कह रहा हूँ भाई, देखो एलवारो लोगे तो आप अगर नेडिंग की प्रैक्टिस करते हो तो नेड ले सकते हो। अब गाइस देखो ये जो थर्ड नंबर मिस्टेक है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, जो कि हर न्यू प्लेयर या फिर हर कोई प्लेयर करता ही करता है। गाइस देखो ये सुधारनी है आपको। गाइस देखो जो भी आपके यहाँ से कैटलिस्ट वा आता है गाइस आपको इसके छत पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है। गाइस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ गाइस, आप ये आप खुद ही क्लिप में देख लेना। गाइस देखो मेरे दो बंदे उधर को जा रहे हैं, एक बंदे छत को जा रहा है। तो गाइस देखो आपको ऑलवेज चूज़ करना है कि आप किसी एक बंदे के साथ रहो, जिससे कि मान लो कभी अगर आप नॉक हो जाते तो वो बंदा आपको रिवाइव कर सके। ठीक है गाइस देखो यहाँ पर मैं उसके साथ छत में यहाँ पर एक जगह पे तो आ गया, बट यहाँ पर मुझे बंदे नहीं दिखे। और गाइस देखो सामने मेरी फाइट हो रही थी, तो गाइस देखो यहाँ से बंदा मुझे अच्छा दे सकता था पर मैं नहीं गया। और गाइस देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर बैठ के आराम से मार दिया, फिर भी मेरा निकल गया। गाइस देखो कुछ ऐसी करना है, अगर हो सकता था कि मुझे मार सकता था, तो इसीलिए आपको गाइस कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप कैटल उजवा में आए हो और छत पर चढ़ गए। चलो गाइस अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर है हमारा डोंट वेस्ट। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट राउंड आ चुका है, हमारे पास पैसा भरपूर है। गाइस देखो मैं यहाँ पर जो मेरा काम का वेपन था उसको मैंने लिया, जैसे कि मुझे वुड पैकर चाहिए था मैंने वुड पैकर ले लिया। अब गाइस देखो मैंने यहाँ पर जो मुझे फ्लैश चाहिए था वो भी ले लिया। अब गाइस देखो मैंने मशरूम भी ले लिया। अब गाइस देखो मैं क्या वेस्टेज करूँगा, गाइस देखो मैं यहाँ पर मशरूम बहुत ही हद से ज़्यादा बाय कर रहा हूँ। देखो गाइस मैंने कम से कम 500 तक का मेरा वेस्टेज हुआ है और यहाँ पर एक और गिरा गया, देख सकते हो यहाँ पर मेरे 600 प्लस। गाइस यहाँ पर देखो बंदे अभी कुछ एक हेलमेट भी छोड़ के जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो बंदे हेलमेट भी छोड़ के जाएगा। ठीक है दिखाता हूँ मैं आपको, देखो भाई इधर ये मशरूम छूट गए, इधर एक हेलमेट छूट गया भाई, मतलब कि गाइस छोड़ रखा है। इसमें गाइस एक अच्छी सी गन आ जाती है जिससे हम जीत सकते थे। तो गाइस आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं समझे तो भाई मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। गाइस आपको देखो पैसा खर्च मतलब फूकना नहीं है, ऐसा कि मतलब गाइस देखो अगर आपको टीम में तो कुछ चाहिए तो गाइस देना ना ऑप्शन ला रखा है वो उससे मांग सकता है, और गाइस वैसे भी माइक वाला ऑप्शन है वहाँ से आपसे बंदा मांग सकता है। ऐसे गाइस आपको बिल्कुल भी नहीं करना की तरफ गाइस देख सकते हो यहाँ पर कि बंदे को मैं यहाँ पर एमजी मारती हूँ तो मेरा नहीं लगा। अब गाइस देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ड्यूल लगा लेता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पर नेडिंग करता हूँ। गाइस देखो मेरे यहाँ पर कैरेक्टर स्किल मेरा वो वाला नहीं था जो मैंने आपको बताया, तो गाइस देखो मेरा नेड भी नहीं जा पाया, इतना दूर तक भी नहीं जा पाया, मैं पैड भी गलत लाया था। गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर देखो मेरा दोनों में से कोई भी नेड बिल्कुल भी नहीं गया, बंदे को भाई डैमेज तक रखती भर का डैमेज भी नहीं पड़ा। गाइस देखो बंदा उल्टा मुझे ही मारने आया था, बट हाँ हमने भाई फाइनली बंदे को ऐसे करके अब रश करके हमने मार दिया। अब गाइस देखो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही था कि पर आपको हमेशा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ढंग का लेके खेलना है, अगर अभी ये बंदा मेरे साथ नहीं होता मेरा टीममेट तो यहाँ पर मैं जीत नहीं पाता। चलो गाइस आज की वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर